एक बार सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। लगातार हम ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं और लगातार हम रुझानों पर बात कर रहे हैं और इसी पर चर्चा अधिक करने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ से, और चेतन सिंह भी जुड़े हमारे साथ, भाजपा नेता हैं जो कि भोपाल से हैं। जिस तरह से देखा जाए धनंजय सिंह जी, बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बात यहाँ पर चार राज्यों की है, लगभग सभी राज्यों की कर लेते हैं, जिसमें से रुझान जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत पीछे, कारण क्या मानते हैं धनंजय जी? देखिए मैं शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश से। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको दर्शक सर। देखिए मैं शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का स्नेह मिला है, और बल्कि कांग्रेस ने, देखेंगे हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है आदरणीय प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ मॉडल को ले जाकर उत्तर प्रदेश के किसानों के विषय में बात की, उत्तर प्रदेश के जनता के विषय में बात की, वहां के युवाओं के विषय में बात की, वहां के महिलाओं के विषय में बात की, तो भारतीय जनता पार्टी जो विमनस्ता फैलाकर जो राजनीति करना चाह रही थी, जो धर्म से धर्म को लगाकर राजनीति करना चाहती, उनको भी विकास के विषय में चर्चा करना पड़ा है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी को अपने भाषणों में कहना पड़ा है कि 10 मार्च के बाद वहां पर छुट्टा जानवरों के विषय में वो योजना बनाएंगे और गोबर खरीदी की बात की। स्वाभाविक सी बात है, हम अपनी योजना के साथ गए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश चुनाव के जो विषय है, जो सिनेरियो से बदलने का काम वहां पे किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें, देखेंगे 400 से अधिक सीटों में हमारे प्रत्याशी हमने खड़े किया, हमारा संगठन मजबूत हुआ है। 30 साल से हमारे पास वहां पे संगठन में कहीं ना कहीं कमियां रही है, उसको पूरा करने का काम किया है। और जिस प्रकार से दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी उत्तर प्रदेश को लेकर, वो तो अभी चैनल में स्क्रीन में बता रहा है, 262 सीट के आसपास के बढ़ा था, ये परिणाम भी नहीं है। और 312 सीट में जहां योगी जी की सरकार रही है, वो 265 सीटों में रुझान में है। इसमें 60 से अधिक सीट तो ऐसे हैं जिसमें नेक टू नेक फाइट है। तो अगर 4 बजे के आसपास अगर हम देखते हैं, तो हो सकता है जो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वो दावा उसके झूठे साबित हो जाएंगे, ये भी मैं कह सकता हूं। नहीं, ये जैसे कि आपने कहा खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं वहां था, तो वहां पे खोने के लिए ऐसा तो नहीं था कि हमेशा से कुछ नहीं था खोने के लिए, बहुत कुछ था, बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ अब भी खो रहे हैं। ये फिर आखिर हमेशा, इससे पहले भी कुछ प्रवक्ता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, वो भी हमेशा, मतलब आपको सभी को एक टैगलाइन दी गई है कि यही स्क्रीन पे बोलना है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन हमारा संगठन मजबूत हुआ। संगठन कैसे मजबूत हुआ? जब आप हालत तो देखिए सर, कैसे संगठन मजबूत हुआ? संगठन मजबूत होता तो ये हालात तो नहीं होते। एटलीस्ट आप, मैं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी है आप, नहीं, उस राज्य में आपकी सरकार थी, अब है ना, लेकिन अब वही आप एक स्थानीय पार्टी सपा, हम तो कर वहां की सपा और कहीं है भी नहीं इतना, अगर उससे उसके बराबर भी ले आते, बराबर नहीं उसका आधा भी हो जाता तब भी ठीक था। ये कुछ आंकड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं है? नहीं ना, हम तो कह रहे हैं 30 साल से हमारी वहां संगठन एक प्रकार से शून्य होने के कगार पर थी। आज 400 सीट में हमारे 400 विधायक प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़े हैं। ना 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 ना, ना तो आज भी हम जनता की बात करें उत्तर प्रदेश में, प्रत्याशी अगर तो, उत्तर प्रदेश के तो किसानों को पार्टी तो प्रत्याशी सर किसी भी विधानसभा में उतार देगी अपनी पार्टी, उतारना वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है कि आपने जो काम किया, नहीं नहीं सपा से ज्यादा आपने काम किया, समझे नहीं बात को, प्रियंका गांधी ने वहां सपा से ज्यादा काम किया, वो इन्वॉल्व सपा से ज्यादा वहां रही, लेकिन उसके बावजूद जनता आखिर क्या कारण है कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? मैंने आपसे पहले कहा ना, जिस जगह में हमारे संगठन कमजोर था, उत्तर प्रदेश में हम अपने आप को शून्य मान के चल रहे थे, अगर हमारे लीडर्स प्रियंका गांधी जी और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश से आपने कहा कि सपा से ज्यादा काम किया, मतलब इस बात को आप स्वीकार करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की जनता से लड़ाई लड़ने का कांग्रेस लीडरान ने किया है। अगर कांग्रेस की बात अगर करे, सुनिए ना, सुन लीजिए एक सेकंड, अगर हम वो किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों को दुख तो हम समझ रहे हैं ना, जो कि वो पार्टी जो सत्ता में वो नहीं समझ रही है। अगर वो महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के लीडरान कर रहे हैं ना। अगर हम युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, ये तो देश की मूलभूत जरूरतें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी दबाकर धर्म और विमनस्ता की राजनीति करना चाह रही थी, आज उसको वापस इस मुद्दे पर आना पड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जो कहना पड़ा है कि 10 मार्च के बाद हम छुट्टा जानवरों को लेकर 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी करेंगे, तो ये भूपेश बघेल जी सरकार की छत्तीसगढ़ मॉडल हुई ना। अगर किसानों को छत्तीसगढ़ 2500 रुपए कीमत मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की किसानों को अगर जिसकी भी सरकार अभी बनती हो 2500 देगी, तो कांग्रेस की योजनाओं की बात तो हुई ना।
हम अपने योजना के साथ गए, अपने एजेंडा के साथ में गए, और मैंने कहा ना हमारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास 400 विधानसभा सीट प्रत्याशी है, कार्यकर्ता है, हमारा वहां पे एजेंडा है, जनता उसको विचार करती है ना। और मैंने कहा ना जो दावा कर रहे थे, जो मोदी जी दावा कर रहे थे, जो योगी जी दावा कर रहे थे, 312 सीट में तो उनकी सरकार रही है, अगर वो बेहतर काम करते तो मैं समझता हूं कि 400 सीट उनके पास होना चाहिए था। 262 आपके स्क्रीन बता रहा है, उसमें 60 से 65 सीट ऐसे हैं जिसमें 4 बजे के बाद देखेंगे परिणाम बदल जाएंगे। तो अभी ये कोई सरकार जो है ना काम नहीं, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, बाकी जगह हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है तो सरकार दोबारा आती नहीं है। फिर हालत जैसे आपके यहाँ बीजेपी की है वैसी होती है अगर काम नहीं करती है तो। और जैसे कि आपने कहा कि उनके एजेंडे अलग थे, हमारे एजेंडे साफ थे, उनके एजेंडे साफ नहीं थे, उनकी ये चीज सर देखिए राजनीति अब बवाली तो रही नहीं कि महाभारत हो रहा हो तो शाम का वक्त जब हो जाए तो सब एक दूसरे के कैंप में चले जाएं, वो राजनीति रही नहीं कि वो एक चरित्र वाली राजनीति रह गई, अब वो नहीं, अब साम दाम दंड भेद सब चलता है राजनीति में। तो अब ये तो एक पार्टी का है कि सिर्फ बीजेपी कर रही, सभी पार्टियां कर रही हैं। अभी लौटूंगा सर मैं आपसे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, चेतन सिंह जी। चेतन सिंह जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी ने लीड तो किया, नो डाउट सरकार भी बन जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है लॉस, यहां पर 84 सीटों का लॉस दिखाया जा रहा है, अभी रुझानों की बात कर रहा हूं, फिर भी कितना भी गिरे विरे मान भी लो 70 से हो सकता 90 भी पहुंच जाए, हो सकता 60 भी आ जाए, ये लॉस क्यों, ये लॉस को कैसे देखते हैं आप? देखिए पहले प्राथमिकता हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की थी, पहले प्राथमिकता हमारे उत्तर प्रदेश की जनता में सुरक्षा का भाव ज्यादा इसको लेकर था, वहां की जनता को लगना था कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई ऐसी सरकार है जो जनता के कंधे पर हाथ रख करके कह सकती है मैं खड़ा हूं तेरे साथ, दमदारी के साथ खड़ा हूं। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, इतना बढ़िया रोल मॉडल ये भूपेश बघेल जी का बता रहे थे, कम से कम पंजाब लेकर के घुमा लिए होते तो चीफ मिनिस्टर की 2 जगह से हार तो नहीं होती, भावी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव तो नहीं हारते, कांग्रेस की 90% गोबर से बिजली बनाने की योजना लेकर आए हैं, गोबर बनाने की योजना से बिजली बनाने की योजना भी शिवराज सिंह चौहान जी बजट में पास किए हैं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, गोबर से बिजली उत्पादन करने की योजना शिवराज सिंह चौहान जी बजट में पास किए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सुन लो, मैंने आपको सुना था गांव गरीब किसान, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है अडानी अंबानी में आपको शर्मा थी, क्यों, क्योंकि आपका जो एजेंडा है ना पॉलिटिकल वो वेटिकन सिटी से होता है, हम आपके सारे नेता, आपके सारे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आजादी के बाद काम किया है, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में भाग रहे या घर में बैठा दिए गए, गरीब और किसान भाजपा के एजेंडे की जगह कुछ काम चोरी कर लो, कुछ भाजपा के नेताओं के अरे आपसे सीखना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमें व्यवस्था बनाने की लड़ाई नहीं सीखनी है, आज जो भारतीय जनता पार्टी से हमें देश की संपत्ति बेचना ये नहीं सीखना है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से हमें वो अंग्रेजों में जो मुखबिर थे ना सावरकर ऐसी चीजें सीखना है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सीखना पड़ेगा, शहर में आना चाहिए, आपके पास दो लोगों के साथ तीसरा नहीं है, तीन जो एक दौर था अटल अडवाणी कमल निशान, आज मोदी शाह अडानी अंबानी हो गई है विधानसभा की, आप अरे आपको सर आप समझिए ना, कांग्रेस के एजेंडे पे पेश कर रहे हैं, कहना चाहूंगा इस तरह के मोदी के साथ आप शिवराज सिंह चौहान जी के बजट देख लीजिए, वो मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज थोड़ा ऐसे बात करने वालों के साथ में बुला करो, जिसको अहंकार हो, जिसको घमंड हो, जिसको नफरत हो, ऐसे लोग सदन में बैठाना, जिनको यही नहीं मालूम वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जिनको यही नहीं मालूम वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को बैठाते हो? धनंजय जी थोड़ा सा संयम रखिए, मैंने आपको वक्त दिया, चुपचाप सुन रहे थे निवेदन। अरे आपके पास जिसके पास मानसिकता ना हो क्या इलाज होगा? ठीक है, अभी अभी आपके पास आऊंगा आपके पास, चेतन जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, वो जो भाजपा नेता पास क्या सोच होगी? ठीक है अभी आपके पास लौटूंगा धनंजय जी, संयम रखिए, भाजपा नेता सुबह सो उठ के हिंदू मुस्लिम की बात करे, जो भाजपा नेता देश को बात करे उसके क्या सोच होगी? ठीक है एजेंडा तो भाजपा का फिक्स है, ठीक है अब एक बार चेतन जी को बात कंप्लीट, और ऐसे लोगों से आप प्लीज बैठाना मत करना जिनको तहजीब और तभी दोनों ना मालूम हो। सर स्वराज एक्सप्रेस सभी को बोलने का अधिकार देता है और सभी अपना पक्ष रखने आते हैं, यहाँ पे लड़ाई कुश्ती नहीं हो रही है कि यहाँ पे फलाना है नहीं, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ठीक है सर, ठीक है आप भी थोड़ा संयम रखेंगे, अपने शब्दों की गरिमा का ध्यान रखेंगे तो वो भी रखेंगे, जिनको यही तमीज नहीं मालूम बात क्या करना है। देखिए मैं ये दोनों जितना भी बोलना था मैंने कहीं इंटरप्ट किया क्या? नहीं बिल्कुल सही बात है, सारी बात मैं भी यही कह रहा हूँ, आप भी सुनने का धैर्य रखिए ना,
जी जी चेतन, अगर अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में बढ़ती हुई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में बढ़ती हुई पार्टी है, बढ़ता हुआ जनाधार है, तो ये देश की जनता का, प्रदेश की जनता का किया हुआ भरोसा और विश्वास है, और हमारी विचारधारा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर आज देश की जनता चलना चाहती है, तो उससे बाकी राजनीतिक दलों को तकलीफ तो होनी है ना, लेकिन हमारी विचारधारा पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चारों स्टेट में जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया है और इस बात का संकेत दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और जहां जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, इन सब ने जो काम किया है वो जनता के हित में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। गरीब जनता का साथ देने वाली सरकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लोग मानते हैं। दो वक्त की रोटी की चिंता करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कल्पना करिए 28 करोड़ लोगों के उत्तर प्रदेश में एक महीने में दो दो बार राशन देती है सरकार, और इसके बाद भी अटल पेंशन योजना में हमने 1,000 रुपए इनको हर महीने देते हैं। और जो लोग गरीब गांव किसान की बात कर रहे हैं, जो गोबर की बात कर रहे हैं, 55 साल इस देश में राज करने के बाद किसान के दो बूंद की किसी ने चिंता नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री है जो किसानों को सम्मान राशि दी। पहली बार 18% 22% पर किसानों को ब्याज पर ऋण मिलता था, आज 0% पर किसानों को ऋण मिलता है। आज बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बैंक आपके चक्कर लगाती है। परिवर्तन अगर कोई लेकर के आया है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। अगर आज ग्रामीण क्षेत्र में आपके दरवाजे पर भी अगर कोई सड़क आई है, अगर आपको शुद्ध पानी मिल रहा है, अगर आपके घर में शौचालय बना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच से सपना साकार हुआ है। आज बढ़ता हुआ देश और बढ़ती हुई ताकत को अगर लोग देखते हैं तो कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें स्वाभिमान और सम्मान के साथ चलना सिखाया, जीना सिखाया। उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, शाम को 7 बजे के बाद बहन बिटियाएं निकल नहीं सकती थी, क्या गुंडा राज था। अभी देख लीजिए आप, काउंटिंग के बाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार के गुंडे दिखाई है, खुलेआम अधिकारियों को धमका रहे, खुलेआम पुलिस के लोगों को धमका रहे, आम नागरिकों को धमका रहे। और जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो गुंडागर्दी करके तमाशा दिखाने की कोशिश की है, इन सब बातों का जवाब वहाँ की जनता ने दिया है। इसलिए कहता हूँ कि काम करो, काम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। अगर बाकी जगह हमारा एजेंडा, आप कह रहे हमने पोलराइज कि आप कह रहे हम धर्म की राजनीति करते, तो उत्तरांचल में क्या है, गोवा में क्या है, गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के उतने मत भी नहीं है जितना हमको मिलता है। मणिपुर में क्या है, ये तो ईसाई बहुल राज्य है ना, क्यों अगर वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आते तो क्यों हमको मत देते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं, हम ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करते हैं, हम जनता के सुख और दुख की बात करते हैं और उसमें सम्मिलित रहते हैं। हम सरकार में हो या सरकार के बाहर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर रहता है, 24 घंटे रहता है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में सारे राजनीतिक दलों की दुकानें बंद थी, बंद थे, कोई नेता नहीं मिलता था, कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे। और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है नहीं, माफ करना, बूथों पर बैठने वाले लोग नहीं है, ठीक है, ये अपने बाबा ही कह सकते हैं कि हमने 400 सीटों पर चुनाव लड़ा है, 400 सीटों पर आपने 15 साल के बाद चुनाव लड़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी से आपकी कमजोर हालत देखकर किसी भी राजनीतिक दल ने आपसे गठबंधन नहीं किया। समय का अभाव है, माफ कीजिएगा, लेकिन धनंजय जी जिस तरीके से देखा जाए राज्य, जैसे आपने पहली बात उत्तर प्रदेश की की, उसके बाद हमारी बात आगे के राज्य की हो नहीं पाई, आगे के राज्यों की भी अगर बात करें तो आपको ऐसा लगता नहीं, ठीक है थी जो होगी या फिर मान लीजिए कुछ भी कही है उसको, आप जैसे उस विवेक से देखते हैं अपनी पार्टी को, क्या अभी भी स्वीकार करके ये लगना नहीं चाहिए कि आत्ममंथन की वाकई जरूरत है देश में? कांग्रेस ठीक है छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है, या छत्तीसगढ़ में वाकई लोकप्रियता है कांग्रेस की, नो डाउट, लेकिन जैसे राहुल गांधी का कुछ राज्यों में गया तो उनका नहीं चला सिक्का, यहां तक कि उन्हें अपनी सीट भी जो वो भी गंवानी पड़ी, रायबरेली जो उनका बहुत गढ़ माना जाता था उसमें भी सेंध लग गई, ठीक है अमेठी में भी सेंध लग गई, तो ऐसे करके आपको ये लग नहीं रहा कि कहीं तो कमी है जिसमें सुधार आना चाहिए? हम काम भी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का हुजूम भी है, वो भी काम कर रहा है, और हर एक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उबर नहीं पा रहे हैं, इसका कोई तो रीजन होगा, ये सोचने वाला विषय नहीं है क्या लगता है आपको? देखिए आपने एक बढ़िया सवाल पूछा, इसका बहुत बढ़िया जवाब दूंगा मैं। 2018 में देश की जनता ने एक बार और श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके उनको 303 सीट का मैंडेट दिया। क्या हालात हुए आज
देश के सरकारी संपत्तियों को बेचने का नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आप देखेंगे कोरोना काल में जिस आजादी के बाद कांग्रेस शासन काल में यहाँ संसाधन उपलब्ध हुए थे, ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, प्लेन नहीं था, और हमारे श्रमिक भाई सड़कों पर पैदल भूखे नंगे पांव घूम रहे थे, उनके मासूम बच्चे घूम रहे थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में गांव गरीब किसानों के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। मैंने कहा ना, अडानी अंबानी जैसे लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी बीच में थोड़ा सा टोकना चाहूंगा मैं आपको, लाख दावा कर ले, मंच में लाख दावा हो रही है तो मैं टोकूंगा आपको बीच में। ठीक है, आप मानते हैं कि संपत्ति बेचना या जो निर्णय है, इस निर्णय से कांग्रेस क्या सोचती है उससे देश नहीं चलता। इस निर्णय नरेंद्र मोदी जो भी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसमें देश क्या सोचता है उस वो मैटर करता है। और ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि आधे लोग उनके निर्णय से खुश नहीं होते, आधे लोग हैं जो उनके निर्णय से खुश होते हैं, और उनके निर्णय से खुश इसलिए होते हैं उनका आप देख सकते हैं सर कि बाकी राज्यों में। जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है कि मणिपुर का कोई मुख्यमंत्री ऐसे होंगे या फिर बाबा की बदौलत उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आ गई? नहीं, नरेंद्र मोदी का जादू है, ये स्वीकार करना पड़ेगा सर। ना ना ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी की जादू होती तो उत्तर प्रदेश में 403 में से 403 सीट में उनको बढ़त मिलता। मैं तो कह रहा हूँ 262 सीट में भी उनकी बढ़त है, और अभी चार बजने दीजिए, जो दावा कर रहे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की वो वापस भागेंगे इस पैर से, क्योंकि 62 सीट ऐसे हैं जिसमें आप खुद देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे कि 500 वोट के आसपास का ही फाइट चल रहा है, कई राउंड की उसमें गिनती बाकी है। तो अभी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी कहना या उत्ती। ठीक है, दूसरी चीज सुनिए ना, दूसरी ना, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था, आप इंटरप्ट करिए सर। चलिए, 303 सीट अगर देश की जनता ने विश्वास के साथ दिया है, उसके बाद आप देखेंगे क्या हालात हो रहे हैं। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर के अगर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का सदन में जनता की लड़ाई लड़ रही है ना, तो ही आज देश सुरक्षित है। नहीं तो न जाने हम अगर चुप बा जाते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और हमारे घरों को भी नरेंद्र मोदी जी बिकवा दें। और ये बैंक की बात करते, बैंक आपके द्वारा, बैंक बचाए कितने हैं? बैंक तो डूब रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार है, बैंक डूब रहे हैं। रही उत्तर प्रदेश, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की है, उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार बने उसको छत्तीसगढ़ मॉडल को कॉपी करके किसानों को धान की कीमत जो छत्तीसगढ़ 2500 मिल रहा है, गेहूं की कीमत 2500 देना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब देश के अन्य राज्यों में आवाज उठ रही है कि जो छत्तीसगढ़ अपने दम पर किसानों को लाभान्वित कर रही है, मजबूत कर रही है, लेकिन उनके प्रदेश में चीजें क्यों नहीं हो रही थी? योजनाएं, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति, वहां के वातावरण, वहां की जो बहुत ज्यादा संख्या किसानों की है, या वहां की हिसाब किताब इकोनॉमी को देख के निर्णय लिए गए हैं आपकी सरकार के द्वारा। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि छोटे से राज्य में जो निर्णय लिए जाए वही सबसे बड़े राज्य में भी बैठेंगे फिट, ऐसा नहीं हो सकता ना सर। वहां की परिस्थिति क्या है, भौगोलिक परिस्थिति, किसानों का देश है, सुनिए ना, सुनिए, पूरा देश, पूरा, मैं तो एक धान की बात नहीं कर रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ मॉडल में गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल में फूल लगाने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल में फल लगाने वाले प्रोत्साहित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल में कोडो कुटकी रागी दलहन तिलहन सबको मिल रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में धान ज्यादा पैदा होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलहन तिलहन तो होता है ना, क्या दलहन तिलहन पैदा करने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह लाभ नहीं मिलना चाहिए? और पूरा देश किसानों का देश है, अगर आप किसानों को नहीं मानते हैं तो आप देश को नहीं जानते हैं। चंद पूंजीपतियों के सहारे देश नहीं चल सकता। कोरोना संकट काल में अगर कृषि एक मजबूत जोड़ी की हड्डी बनकर उभरी है, रोजगार देने में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, आप मानते हो चीजों को ना, डेवलप करने में? वो आपकी बात सही है, आप छत्तीसगढ़ हर मामले में सही है, मैं ये कह रहा हूँ। वहां के मुख्यमंत्री भी सही है, वहां की योजनाएं भी सही है, वहां के लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़िया काम कर रही, सभी स्वीकारते हैं, मैं भी स्वीकारता हूँ, जनता भी स्वीकारती है छत्तीसगढ़ भी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आवाज कांग्रेस के लोग उठाने में डरते हैं? क्योंकि ये भाई बहन, चाहे वो राहुल गांधी ले लीजिए, चाहे वो प्रियंका गांधी ले लीजिए, बदलाव की जरूरत है। लेकिन अब आप कहेंगे नहीं कि ऐसा कुछ है नहीं, आप चाहे हजार तर्क देंगे, लेकिन चारों तरफ किसी से नहीं, बात बिल्कुल, वहां पे लोगों को अब लगता है कि बदलाव की जरूरत है। वो ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन जो आपसे है वो पूरा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल, आपने, क्योंकि आप या कांग्रेस कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन लगता है कि वाकई जरूरत है। सर मैं आपके पास लौटूंगा, मोहम्मद नाजिम जुड़ गए हैं रुड़की से, और लौटूंगा आपके पास। मोहम्मद नाजिम, इस वक्त रुड़की में क्या हाल? तो बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल लाला ने दमदार दावेदारी पेश की थी, और दो बार के विधायक वहां पर भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप पत्रा थे। कहीं ना कहीं जो अभी तक के रुझान है और जो
अभी तक के मतों का आंकड़ा सामने आया उनमें जो कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल लाना है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने समर्थकों सहित मतगणना स्थल से जा चुके हैं और लगभग 2400 मतों से यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पत्रा वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रुड़की की जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उनको लगता है कि उनको जो है जीताकर विधानसभा में जाए जी दीपक। चले तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जी धनंजय जी। देखिए आपने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया है कि प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी ही देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा देश ये बात को जानता है कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों मनमानी और भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था बनाने की जो नीति है इसके खिलाफ अगर कोई देश बचाने के लिए चला है देश की लड़ाई लड़ रहा है देश की जनता के सामने ढाल बन के खड़ा हो रहा है तो वो है राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। चौथा नाम मुझे बता दीजिए भूपेश बघेल जी आप बता दीजिए चौथा नाम देश में वही आप सारी विपक्षी पार्टी है। अब मैं वही चीज आपसे पूछ रहा हूं कोई नेता नहीं है क्या? सुनिए ना मैं आप क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ चौथा एक नाम आप बताइए कि इतने सारे विपक्षी दल हैं आपकी पार्टी विपक्षी दल के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जिसका खड़े हुआ है ठीक है एक बताइए ना नेता बता दीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे चलती है? आप कोई प्रदेश अध्यक्ष है मान लीजिए वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे क्या होगा हटा दिया जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर ही होता है ना ये आप भी जानते मैं भी जानता हूं चाहे वो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो तो जब परफॉर्मेंस के आधार पर होता है तो जब परफॉर्मेंस ऊपर के लेवल पर अगर सही नहीं जा रहा है तो क्या नहीं सोचना चाहिए? देखिए ये लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में ही है आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में जब हार हुई तो हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा ना लेकिन जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे स्टेट में जो सरकार थी और वो 2018 आते आते तक समाप्त हो गया क्या नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी लेते हुए का इस्तीफा दिया क्या? क्योंकि उनमें तानाशाही है हमारे राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया लोकसभा में हार के स्वीकार बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूं कह रहा हूं ना अगर जिम्मेदारी की बात होती है तो राहुल गांधी जी नेता है। ठीक है चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है खटीमा से जहां पर खटीमा सीट पर सातवें राउंड की गिनती पूरी हो गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3651 वोटों से पीछे हैं कांग्रेस प्रत्याशी भुवन काफड़ी लगातार आगे चल रहे हैं। वक्त के बाद छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाल से।